नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर तल्ले से आपको बताते हैं, जहां पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफे की बात सामने आई है। कैबिनेट की बैठक में डीएमए 3% बढ़ोतरी की मंजूरी। नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले मिला तोहफा। कर्मचारियों का डीए 31% से बढ़कर 34% किया गया है। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर डीए को 31% से बढ़ाकर अब 34% कर दिया गया है। नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले यह तोहफा मिला है। दिल्ली से खबर, कर्मचारियों का डीए 31% से बढ़ाकर अब 34% कर दिया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा मिला। तो यह बड़ी जानकारी, और कैबिनेट की बैठक में डीए में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 3% डीए में बढ़ोतरी की बात सामने आई। पहले 31 था और अब 34% किया गया है। कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया गया, तो ये बड़ा तोहफा कर्मचारियों को मिला है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा मिला। दिल्ली से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में डीए में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है। दिल्ली से बड़ी खबर, नए शुरू होने से पहले ये तोहफा मिला है। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये तोहफा मिला और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली से खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिला तोहफा। कैबिनेट की बैठक में डीए में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है।